इसराइल हमास के बीच बीते 21 दिन से जंग जारी है। इन 21 दिनों में गाजा की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। इजरायली रॉकेटों के हमलों से गाजा में पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए हैं। रोते बिलखते बच्चे, घरों से उठता धुआं, खाने पीने की चीजों के लिए लंबी कतारें, अस्पतालों में इलाज के लिए घंटों इंतजार, ये गाजा की जमीनी हकीकत है। इजरायली हमलों ने किस तरह गाजा पर कहर बरपाया है, इसका हाल सैटेलाइट की तस्वीरें बयां कर रही हैं। मैक्सार टेक्नोलॉजी द्वारा सैटेलाइट इमेज जारी की गई हैं। इसमें गाजा पर इजरायली अटैक से पहले और बाद की तस्वीरों से तुलना की गई है। इसके साथ ही लोग अपने बच्चों के हाथ में रंगीन धागे बांध रहे हैं। आखिर गाजा के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या है बच्चों के हाथ में रंगीन धागे बांधने की असली वजह? आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल गाजा में रहने वाले लोगों को मौत का डर इस कदर सता रहा है कि पता नहीं कब इजरायल का हमला हो और इसकी जद में आम लोग और उनका परिवार आ जाए। बम गिरने के बाद शरीर के परखच्चे उड़ जाते हैं और कई बार तो शवों की शिनाख्त भी नहीं हो पाती है। लिहाजा गाजा में माता पिता अपने बच्चों के हाथों में धागे बांध रहे हैं। गाजा में रहने वाले माता पिता का कहना है कि इजरायल हमले कर रहा है, अगर हमें या हमारे बच्चों को कुछ हो जाता है तो हम धागे से अपने परिवार के सदस्यों के शवों को पहचान सकते हैं।